नमस्ते जी, फिर हाजिर है एक मज़ेदार रेसिपी लेकर हैप्पी सॉल्ट। आज बनाएंगे एक मशहूर स्ट्रीट फूड। आइए देखते हैं मटर कुलचों वाले मटर बनाने की रेसिपी। ये दिल्ली का एक बहुत ही मशहूर स्ट्रीट फूड है। ये मटर सूखे सफ़ेद मटरों से बनते हैं और इन्हें आप कुलचों के अलावा ब्रेड या पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक कप सूखे सफ़ेद मटर लेंगे और इन्हें अच्छी तरह 2-3 बार धो लेंगे। धुले हुए मटरों को 3 कप पानी में 2 से 3 घंटों के लिए भिगो कर रख देंगे। लगभग 3 घंटे भीगने के बाद मटर काफ़ी फूल चुके हैं। अब इन्हें पानी समेत प्रेशर कुकर में डालेंगे और ऊपर से 1 कप पानी और डालेंगे। स्वाद के हिसाब से नमक और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी डालकर मटरों को मीडियम आंच पर 4 से 5 सीटियां आने तक पका लेंगे। 5 सीटियां आ चुकी हैं, गैस बंद कर देंगे और कुकर अपने आप ठंडा होने देंगे। जब तक कुकर ठंडा होता है, तड़का तैयार कर लेंगे। पैन या कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे और इसमें 2 बड़े प्याज लंबे लंबे काट कर डाल देंगे। प्याज पीस कर या छोटे टुकड़ों में काट कर ना डालें, नहीं तो ये मटरों में घुल जाएंगे। मीडियम से हाई आंच पर पकाते हुए प्याज गुलाबी कर लेंगे। इन्हें बार बार चलाते रहेंगे। प्याज बहुत ज़्यादा भूनने या लाल नहीं करने हैं। प्याज गुलाबी हो चुके हैं। पैन के सेंटर में थोड़ी सी जगह बनाएंगे और अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें बीच से चीरा लगाकर डाल देंगे। लगभग 30 सेकंड तक इसे बिना हिलाए मीडियम आंच पर पकने देंगे। सभी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह हिला देंगे ताकि अदरक जले ना। फिर से एक बार पैन के सेंटर में जगह बनाएंगे और इस पर मिर्चें रखकर लगभग 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। लगभग 1 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि मिर्चों पर सफ़ेद छाले से पड़ गए हैं। ये फ्राई हो चुकी हैं। सभी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह हिला देंगे। अब इसमें 3 मीडियम साइज के टमाटर लंबे लंबे काट कर डाल देंगे। टमाटरों को भी बहुत छोटा नहीं काटेंगे। प्याज और टमाटर के पीसेस बड़े होंगे तो ये मसाले में घुलेंगे नहीं और मटरों का टेस्ट बिल्कुल ठेले के मटर कुलचों वाला आएगा। बार बार चलाते हुए टमाटरों को मीडियम से हाई आंच पर लगभग 2 मिनट तक पका लेंगे। टमाटर बहुत ज़्यादा देर तक ना पकाएं ताकि इनमें थोड़ा सा खड़ापन रहे और ये बहुत ज़्यादा ढीले या नरम ना हो। टमाटर पक चुके हैं, गैस मीडियम कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच या स्वाद के हिसाब से लाल मिर्च, 1.5 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 2 छोटे चम्मच अमचूर। कलर के लिए 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और लगातार चलाते हुए मसालों को लगभग 15 सेकंड तक पका लेंगे। अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच काला नमक डालेंगे। काला नमक इस्तेमाल करना ऑप्शनल है, पर इससे मटरों में चाट वाला फ्लेवर आएगा। स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। ये याद रखें कि मटरों में हम नमक पहले ही डाल चुके हैं। अच्छी तरह नमक मिला लेंगे और गैस बंद कर देंगे। तड़का तैयार है। अब मटर चेक कर लेते हैं। कुकर से प्रेशर पूरी तरह निकल चुका है। मटर बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये नरम हो चुके हैं और हल्का सा दबाने पर पूरी तरह पिचक जाते हैं। कड़छी से दबाते हुए मटरों को हल्का सा मैश कर लेंगे। अब ये मटर तड़के में डालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तड़के वाले पैन की गैस फिर से ऑन कर देंगे और अब इसमें उबले हुए मटर डाल देंगे। सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मटर ज़्यादा गाढ़े लगें तो थोड़ा सा पानी डालकर कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लें। 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर मटरों को पकने देंगे। 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और 2 से 4 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लेंगे। मटर बिल्कुल तैयार हैं, गैस बंद कर देंगे। चलिए अब इन्हें सर्व करते हैं। गर्मा गर्म मटरों पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, 2 बड़े चम्मच या स्वाद के हिसाब से गुड़ इमली की चटनी डालेंगे और थोड़ी सी बारीक कटी हुई कच्ची अदरक डालेंगे। आपको अदरक ना पसंद हो तो ना डालें, लेकिन कच्ची अदरक से मटरों में अलग ही स्वाद आता है। इन पर स्वाद के हिसाब से या 1/2 छोटा चम्मच नींबू का रस डालें और गर्मा गर्म मटरों को कुलचों या पराठों के साथ सर्व करें।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।